हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। और गाइस, जैसा आप लोगों को पता है, आज 11 जून है और ICSI की नोटिफिकेशन आई है। और इस नोटिफिकेशन में उन लोगों ने एडवाइजरी आई है, मेल पे आई थी मेरे, एडवाइजरी है फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। क्या है ये, आप लोगों को पता है कि बच्चे बहुत परेशान हैं और बहुत सारे टीचर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बच्चे भी। इसमें कुछ गलती बच्चों की भी है और कुछ जो मेरे को लगता है कि ICSE की तरफ से सही बात नहीं हुई। पहले देखो क्या कहते हैं वो। एज यू आर अवेयर दैट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द प्रिवेलेंट सिचुएशन एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर सेक्टर्स ऑफ इंडिया हैज पोस्टपोन्ड इट्स एग्जामिनेशन जून 2020 सेशन ऑफ फाउंडेशन एग्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल टू बी हेल्ड फ्रॉम 1st जून टू 10th जून टू नाउ कमेंस ऑन 6th ऑफ जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। है ना, ये लो देखो। तो ये पहला पैराग्राफ तो ये बोलता है कि जी देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि जैसे आप लोगों को पता है कि मार्केट में सिचुएशन कैसी है, अभी इंडिया में सिचुएशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले ही एग्जाम पोस्टपोन किए थे। जो 1 जून से 10 जून वन थे, वो हमने 6 जुलाई तक किए थे। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए, जो भी है। इसके लिए आपको याद होगा मेरे चैनल पे मैंने प्रेजिडेंट सर की वीडियो भी डाली थी, आशीष गर्ग सर की, और उसमें उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई बच्चे को नहीं दे सकता तो वो अटेम्प्ट स्किप कर सकता है, और अगर देना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन एकदम से कैंसिल करने का डिसीजन हम नहीं लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ हमेशा है, हम लोग सिचुएशंस को देखते हुए चलेंगे, अगर मार्केट में लगा कि नहीं हो पाएगा तो इंस्टीट्यूट कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, उन्होंने ऐसा करके कुछ वीडियो में बोला भी था। लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ बच्चे उनकी वीडियो से सहमत भी थे, कुछ नहीं भी थे। मैं उसके ऊपर कोई व्यू नहीं रखने वाला, अभी उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, इट इज नोटिस बाय द इंस्टीट्यूट दैट फ्यू मेंबर्स, मतलब कुछ CS एंड स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट मींस ICSI के कुछ स्टूडेंट और कुछ उसके मेंबर्स आर पोस्टिंग एंड सर्कुलेटिंग वीडियोज एंड मैसेज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एक्सेट्रा आस्किंग देयर बाय फॉर कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ अफोर्शन एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 जुलाई 2020। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे से बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोज के थ्रू, व्हाट्सएप यूट्यूब के थ्रू और अलग अलग पोस्ट ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ये चाह रहे हैं कि इस अटेम्प्ट को कैंसिल किया जाए जो 6 जुलाई को होना है। The contents, comments and remarks in these video messages are with an intention to demotivate the sincere students, divert their intention from studies and to further instigate and provoke the members, student teachers and the parents of the student against the institute and seems an attempt to malign the image of the institute. वो कह रहे इन लोगों की, टीचर्स की वीडियोस और बच्चों की पोस्ट और ये सब चीजों से ये लोग बच्चे को पढ़ाई से हटाना चाहते हैं, ध्यान उसका हटवाना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूट को वो कहीं ना कहीं डिफेम कर रहे हैं, किसी तरीके से डिफेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन गिर रही है उसकी वजह से। तो एक चीज याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम उसके थ्रू है, हम CS बने आज, हम जो भी है उनकी वजह से है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप CS बनने का सपना लेके आए, आप जो बनोगे आप उनकी वजह से बनोगे। हमारे को जो इतना इंस्टीट्यूट दे रहा है, कभी भी उसके अगेंस्ट, मैं तो हमेशा अपने बच्चे को बोलता हूँ कि वीडियो में भी क्या, कहीं पे हम वीडियो में हम तो बोलते ही नहीं ICSE के अगेंस्ट, बच्चे को भी हमेशा बोलते हैं कि कोई गाली गलोच नहीं करनी है। बच्चे नीचे प्रेसिडेंट को गालियां दे रहे होते हैं, इनको उधर कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट को गाली दे रहे होते हैं। बेटा एक चीज याद रखना, मैं एक छोटी चीज बता रहा हूँ, मैं फेवर में भी बात लेके जाऊंगा, मैं पहले एक चीज क्लियरिटी दे दूं, जो सही है वो सही है, वो जो गलत है वो गलत है। हमारे बच्चों से, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से एक चीज मांगी थी, हमने अटेम्प्ट कैंसिल नहीं मांगा था। अगर याद होगा मेरी पहले वाली वीडियो, मैंने अटेम्प्ट कैंसिल नहीं मांगा था, मैंने कहा अगर कैंसिल होगा तो सही, नहीं होगा तो सही, हम खाली नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। हम खाली क्या मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। अगर किसी, मैंने पहले भी कभी भी कैंसिल को सपोर्ट नहीं करा, मैंने हमेशा वीडियो में बोला हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, और हम खाली क्या मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। मेरे को नहीं पता अदर टीचर्स ने क्या बनाया वीडियो में, बहुत सारे टीचर्स ने मांगी होगी कैंसिल की रिक्वेस्ट। मेरे को दो लगता है दोनों तरफ अपने अपने एंगल ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जो बच्चा कहता है कि मैंने देना ही है, कि हर हालात में देना है, और मेरे को उसको लगता है मेरा एरिया ग्रीन जोन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं एकदम से उसकी तरफ से सोचता हूँ तो लगता है कि यार, कि हाँ यार बेचारे की मेहनत खराब ना हो जाए। फिर मैं दूसरी तरफ से सोचता हूँ तो ये देखता हूँ कि यार इंडिया के हिसाब से अगर सिनेरियो देखो तो वो बहुत कुछ बच्चे होंगे, जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो बेचारे प्रॉब्लम में ही है। इसलिए मैं तो अभी तक इसके ऊपर अपना कोई व्यू बना ही नहीं पाया। लेकिन लेकिन लेकिन
कभी भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हमने गलत नहीं बोला। हमें आज भी एक ही रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से, सर हम नहीं कहते कैंसिल करना है नहीं करना, वो आपका डिसीजन है, आप मार्केट सिचुएशन देखो, आप उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप सेफ्टी मेजर्स बच्चे को दे पाओगे और आपको लगता है कि आप लोग बच्चे के साथ जस्टिस कर पाओगे और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलोगे, तो सर एग्जाम्स कंडक्ट करा लो। लेकिन अगर आपको नहीं लगता ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप जो भी हो सकता है, जो पॉसिबल वे है, पोस्टपोनमेंट कैंसिलमेंट जो है, आप जो करना चाहते हो आप करो, जो आपको सूटेबल लगे। आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, काउंसिल में आप सब कुछ देख रहे हैं, बस एक नोटिफिकेशन दे दीजिए उसके लिए। क्या दे दीजिए? एक नोटिफिकेशन दे दीजिए। हम कोई अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, हमेशा बच्चे से बोलता हूं कभी अपने आईसीएस से बॉडी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वो उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपसे सीनियर हैं, कभी कोई गाली गलोच वगैरह कभी नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखो क्या बोलता है वो पहले। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑल्सो टैग्ड इन दीज इमेजेस। ये भी देखा जा रहा है कि लोग पीएम को टैग कर रहे हैं, एमसीए को टैग कर रहे हैं, उनके ऑफिस, उनके बॉडीज को टैग कर रहे हैं। और आगे क्या बोलता है, एज दिस सिचुएशन द इंस्टीट्यूट इज कीपिंग अ क्लोज विजिल ऑन ऑल द गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज फुली कमिटेड टू टेक वेरियस इनिशिएटिव रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इट्स स्टेकहोल्डर्स। स्टेकहोल्डर सब आ गए, मेंबर्स, स्टूडेंट सब आ गए। तो वो कहते हैं इंस्टीट्यूट सारे मेजर्स देख रहा है, प्रॉपर उनकी दिमाग है, वो प्रॉपर वो लोग गाइडलाइंस देख रहे हैं, सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं और उसके बेस पे वो टोटली कमिटेड है और वो सेफगार्ड बच्चों के अपने स्टेक होल्डर्स के सेफगार्ड में ही डिसीजन लेंगे। इन दिस टेस्टिंग टाइम द इंस्टीट्यूट एंड इट्स ऑफिस बियरर्स हैव टेकन वेरियस मेजर्स एंड हैव लेफ्ट टू स्टोन हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू हेल्प इट्स मेंबर्स इन प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड सपोर्ट थ्रू वेबिनार्स एटसेट्रा फॉर देर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसके अलावा कह रहे हैं हमने तो मेंबर्स के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे वेबिनार्स भी कंडक्ट करा रहे हैं इस टाइम पे भी। द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो रेगुलरली कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल्सो टेकन वेरियस अदर इनिशिएटिव टू कीप द स्टूडेंट्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इंश्योरिंग एग्जामिनेशन। वो कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करा रहे हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। दीज काइंड ऑफ मैसेजेस एंड वीडियोस आर इन वायलेशन ऑफ द, अब यहां से स्टार्ट होती है बात मेन जो मैं बताना चाह रहा हूं। These kind of messages and videos are in violation of the following clauses of the ICSA guidelines used on social media. Pehla, remarks undermining public confidence institute's ability to deliver the proper services to stakeholders. Hum log institute ko ability pe shak kar rahe hain ki wo proper services nahi dete. Posting content amounting to criticism sufficiently strong or persistent to give the impression to undermine the authority of institute senior management. Hum unki senior management ke against ja rahe hain, unko criticize kar rahe hain. हरासमेंट और बुलिंग द इंस्टीट्यूट एम्प्लॉइज, इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉइज को, उनके काउंसिल मेंबर्स को हरास कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स, जुगाली गलोच कर रहे हैं। तो कहते हैं पोस्टिंग एंड सर्कुलेटिंग दीज काइंड ऑफ मैसेज एंड वीडियोस अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड द मेंबर्स एंड स्टूडेंट डूइंग सो आर सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगर कुछ आप ऐसा करते हो। अकॉर्डिंगली मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन पोस्टिंग एंड सर्कुलेटिंग दीज काइंड ऑफ मैसेज एंड वीडियोस। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप इस तरीके की वीडियोस को सर्कुलेट वगैरह ना करें। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से और बच्चों से, सर हम लोग एग्जाम्स का कैंसलमेंट के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम पोस्टपोनमेंट वगैरह के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों को क्लैरिटी चाहिए बस। आप कैंसल करोगे तो सही, पोस्टपोन करोगे तो सही, क्लैरिटी चाहिए। और अगर आप एग्जाम कंडक्ट कराते हो तो क्या मेजर्स लेके करवाते हो, आप उसके लिए भी सोल्यूशन बता दीजिए बस। क्योंकि एग्जाम होने में बहुत कम टाइम बचा, लेस देन 30 डेज बचे, तो उसके लिए क्लैरिटी आ जाए कि होगा क्या और कैसे होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा इधर उधर वीडियोस को सर्कुलेट नहीं करेगा, फालतू की वीडियोस को, गाली गलोच वाली नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर को गाली नहीं देगा, इंस्टीट्यूट को गाली नहीं देगा। तुम्हारा करियर है, देखो अगर कुछ भगवान ना करे तुम्हारे साथ हो जाता है। और दूसरी बात, मेरे को लगता है वो एथिकली भी सही नहीं है किसी को गाली वगैरह देना, हमारे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इंस्टीट्यूट खुद भी गलत नहीं है किसी जगहों पे, मेरे को लगता है कभी कभी इंस्टीट्यूट गलत नहीं है कि वो कैसे समझेगा, हम मार्केट के सरकमस्टांस ही समझ नहीं आ रहे कि एकदम से कुछ प्लानिंग होगी तो होगा, लेकिन अब जो है ना वो टाइम थोड़ा सा कम बनता जा रहा है, तो अब इंस्टीट्यूट को थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। हम तो ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन दो कि फाइनली होगा क्या, एट लास्ट फाइनल क्या होगा। और मैं बच्चों को ये बोलूंगा इन सब चीजों के चक्कर में थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान हटाएं, जो होगा फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम वीडियो शेयर कर देंगे। फालतू की चीजों मत पढ़ो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसे तैसे हो रही है पढ़ाई करो अपने घर में बैठ के। एग्जाम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, राइट, नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती, लेकिन पढ़ाई नहीं करी तो बेटा फेल हो जाओगे। तो पढ़ाई करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, और अपने पढ़ाई के रिदम को मत तोड़ो,
इस बार नहीं तो कब, जब पोस्टपोनमेंट होगी तब, अगर पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, अगर सपोज पोस्टपोनमेंट का डिसीजन नहीं आया तो बेटा लटक जाओगे। और किसी को अगर बिल्कुल वारा नहीं खाता कि भाई अगर सपोज मैं कहता हूं बाई चांस वर्स्ट डिसीजन समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज इंस्टीट्यूट लास्ट कैंसिल करता ही नहीं, जो मेरे को लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, वो बहुत रेयर चांस है, सपोज वो कैंसिल करता ही नहीं मान लो, तो बेटा जिनको लगता है वो नहीं जा पाएंगे अब स्किप कर देना यार। अब जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना, जिंदगी से बढ़कर जिंदगी अपनी पहले है, अपनी फैमिली को देखो, जिंदगी को देखो। और अगर कोई नोटिफिकेशन बच्चों के भले के लिए आती, जैसे इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि हमेशा बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं, और सोचते हैं आज तक हमको तो जो कुछ दिया इंस्टीट्यूट ने बहुत दिया, तो अच्छा जो होगा वो नोटिफिकेशन में आएगा। बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से कि सर आप जल्दी करें, और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ गलत डिसर्कुलेट ना करें और पढ़ाई करते रहें, जो होगा मैं नोटिफाई करूंगा आप लोगों को, है ना, तुम्हारे साथ हो। चलो थैंक्स अ लॉट, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।